कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नारायण विरोधी, किसान का नारा, रजनी मीर था, जीए मीर था, रजनी पाटिल थी। उनको मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और आज एक जुड़ा पक्ष करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो तीन काले कानून इस बीजेपी की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारे ऊपर लाए और देश का बच्चा बच्चा हर एक किसान भूल गई। इंदू को आगे आगे आ जाएंगे। पहला व्यक्ति रजनी पाटिल जी, रजनी पाटिल जी, जीए मीर सा, जीए मीर सा, जीए मीर सा, रजनी पाटिल, सभी लोग साथी हैं, रजनी पाटिल जी, रजनी पाटिल जी, जीए मीर सा, सभी सभी पाटिल जी, रजनी पाटिल जी, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। शुक्रिया गांधीवान जी। साथियों, नीत सभा की तरफ से माफी है जिस कैसे अशोक शर्मा जी, हमारे सिंहदेव जी, शबीर खान जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीब जी, हिंदू कुमार जी बोल चुकी साहब, साहब श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरे दो दो हाथ खड़ा करो, किसान विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी, व्यापार विरोधी, व्यापार विरोधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुक्रिया। बैठे 10 मिनट। मैं ज्यादा मैं अपनी तरफ से श्रीमती रजनी पाटिल जी का जो इस मंदिरों के शहर में यहाँ पे आए हैं स्वागत करते हुए और जिस जगह पे हम यहाँ पे 22 तक 20 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे, लेकिन आज जो हालात यहाँ पे बने पूरे मुल्क भर में और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में आप महसूस करते हैं कि जिस वक्त किसान मरने की कगार में यहाँ पे पहुंचा और लाखों और कोरोना का भी पूरा फायदा लेकर मोदी ने लिया, वो शायद ये समझते थे कि इस कोरोना की जंग में लोग बाहर नहीं आएंगे। आप इस मंचन को बता रहे चाहते हैं, ये आगाज है अंजाम आप समझ लीजिए कि क्या यहाँ पे होगा। दुश्मनों का सामना यहाँ पे रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, हम ऐसे काले कानून लगा देंगे ताकि सीधा कारपोरेट को जो फायदा देना चाहते थे मानवीय डानी ऐसे ग्रुप को उनको सीधा फायदा मिल पाए, लेकिन हालात भी प्रवृत्त हो गए। आज किसान सड़कों पे यहाँ पे है और खूब उसकी सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है नरेंद्र मोदी को कि आज जो किसान को स्पोर्ट प्राइस भी ना करती थी मिडलमैन सिस्टम जो एक उनका सहारा यहाँ पे था, आज उस सहारे से वो यहाँ पे होकर आ गए। तो मैं समझता हूँ कि मौजू में मैडम खुद यहाँ पे बात करेगी, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि मीर साहब की लीडरशिप में जो नेशनल पार्टी का कोई भी हुक्म हुआ सबसे निडर होकर एक एक कोने में एक एक ब्लॉक एक एक बनने तक कांग्रेस का झंडा अगर लगा इस प्रेसिडेंसी के दौरान में भी और इस राष्ट्रवाद के बाद कोरोना वायरस की जंग में भी अगर लड़ाया जाता तो कांग्रेस की लीडरशिप मीर साहब ने जिन्होंने शोर किया गांधी जी की लीडरशिप ने कहीं कोई कसर यहाँ पे नहीं छोड़ी, तमाम सारे सर तमाम लोगों को इकट्ठा करते हुए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारी मैडम
अब आज के चीफ गेस्ट जम्मू कश्मीर के इंचार्ज रजनी पाटिल जी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मिनिमम पोर्ट प्राइस जो है किसानों से छीन लिया गया है साथियों, इससे किसानों की आधा फायदे में तो बात है। तो आज हम यही इंकलाब करते हैं हमारी लीडरशिप के साथ, जीए मीर साहब के साथ, भल्ला साहब के साथ, मुलाराम जी के साथ, सुधीर शर्मा जी हमारे एसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर जो यहाँ पर उपस्थित है, आज उनके साथ जम्मू कश्मीर का युवा खड़ा है, आज उनके साथ जम्मू कश्मीर का हमारे किसान खड़ा है। और आज सब समझ चुके हैं ये जो जुमले वाली सरकार है ये ज्यादा चलने नहीं वाली साथियों, इनका पर्दाफाश हो चुका है। और हमें विश्वास है हमारी लीडरशिप पे, राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे, कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में हम देश को बचाने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। चाहे मोदी हटे और गरीबों की जो कांग्रेस थी, जो गरीबों को उठाया कांग्रेस ने यहाँ, वो गरीब का साथ कांग्रेस है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग यही चाहते हैं कि ये बीजेपी यहाँ से जाए और जाने वाली है। आप मंदिर में जहाँ बाबे वाले मंदिर में आए हैं, हमारी माता रानी बहुत मानी हुई है, इसके इसकी शक्कर छाया में आज यह प्रोग्राम हुआ है। और आप यहाँ पहली बार रहा हो तो मैं आपको यकीन से कहना चाहती हूँ और साथियों से सबसे कहना चाहती हूँ तो हम हमारी जो पार्टी है वो उभरेगी, जरूर उभरेगी। और जो मोदी सरकार है इसको बताएंगे।